Hello everyone, welcome to eLearner. Myself Sakshi Gautam. This is part 2 of vaccine. In the last video, I discussed about the Covishield and Covaxin. In this video, I am going to discuss about the Sputnik vaccine and type of vaccine with examples. So, सबसे पहले हम देखेंगे स्पुटनिक वैक्सीन के बारे में. इट इज़ प्रोड्यूस इन रशिया. इसका प्रोडक्शन जो है रशिया में हुआ है. इट इज़ वन ऑफ द थ्री वैक्सीन इन द वर्ल्ड विद एफिकेसी ऑफ ओवर 90%. जो तीन वैक्सीन है वर्ल्ड में जिसकी एफिकेसी 90% से ज़्यादा है, उसमें स्पुटनिक भी एक वैक्सीन है. द वैक्सीन एफिकेसी इज कन्फर्म्ड एट 91.6% बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ डाटा ऑन 19,866 वॉलंटियर्स हु रिसीव्ड बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड डोजेज ऑफ स्पुटनिक वैक्सीन. तो इसकी जो एफिकेसी कंफर्म हुई है वो इस बेसिस पे कंफर्म हुई है कि जो 19,866 वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने इसकी फर्स्ट डोज भी लिया और सेकंड डोज भी लिया, जो उनका डाटा जनरेट हुआ है उसके बेसिस पर इसकी जो एफिकेसी है वो 91.6% कंफर्म हुई है. द ऑनगोइंग स्पुटनिक पोस्ट रजिस्ट्रेशन क्लिनिकल ट्रायल इन रशिया इन्वॉल्व मोर देन 31,000 वॉलंटियर्स. तो जो इसका ऑनगोइंग रजिस्ट्रेशन क्लिनिकल ट्रायल है, पोस्ट रजिस्ट्रेशन क्लिनिकल ट्रायल, उसमें 31,000 से ज़्यादा वॉलेंटियर्स इन्वॉल्व हैं. फेज थ्री क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ स्पुटनिक हैव बीन कंडक्टेड इन द यूएई, इंडिया, वेनेजुएला एंड बिलारस. जिसका फेज थ्री का क्लिनिकल ट्रायल्स है वो कहाँ कहाँ पे हुआ है? यूएई में हुआ है, इंडिया, वेनेजुएला एंड बिलारस. इट इज़ अ टू डोज वैक्सीन. ये भी एक टू डोज वैक्सीन है. द वैक्सीन कैन बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ +2 to +8 degrees Celsius विच अलाउ फॉर ईजी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग हार्ड टू रीच रीजन्स. जिसका स्टोरेज टेम्परेचर है वो है +2 to +8 degrees Celsius, जिसकी वजह से इसको वर्ल्ड वाइड में ईजिली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, इवन उन रीजन्स में भी जहाँ पर चीज़ें पहुँचाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. अब हम देखते हैं इसको बनाया कैसे गया है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है. इट इज़ अ टू वैक्टर वैक्सीन. इसको टू वैक्टर वैक्सीन इसलिए बोला गया है क्योंकि इस पर दो टाइप के वैक्टर्स को यूज़ किया गया है. सो हम देखते हैं, सबसे पहले इसको बनाने के लिए वैक्टर को क्रिएट किया गया है. ए वैक्टर इज़ अ वायरस डेट लैक्स अ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन एंड इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम अनदर वायरस डेट इज़ बींग वैक्सीनेटेड अगेंस्ट इन टू अ सेल. तो इसमें जो वायरस जो यूज़ किया गया है, एडिनो वायरस, उसको ही वेक्टर बोला गया है क्योंकि इसमें से उसके जो रिप्रोडक्शन के जीन है, मीन्स रेप्लिकेशन के जीन है, उसको हटाया गया है. प्लस इसको एज ए वेक्टर कंसिडर किया गया है क्योंकि वो हम उसमें कोरोना वायरस का एक जीन को इंसर्ट करके उसे वैक्सीनेशन के फॉर्म में सेल्स तक पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं. सो इसलिए इसको यहाँ पे वेक्टर बोला गया है. द वेक्टर डज नॉट पोज एनी हजार्ड टू द बॉडी. जो वेक्टर है उससे बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा. द वैक्सीन इज बेस्ड ऑन एन एडिनो वायरल वैक्टर विच नॉर्मली कॉज एक्यूट रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन. तो ये वैक्सीन है, इसमें जो वैक्टर यूज हुआ है वो एडिनो वायरल वैक्टर यूज हुआ है जो नॉर्मली एक्यूट रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन कॉज करता है. अब हम फिगर से समझते हैं एक्चुअल में इसको बनाया कैसे गया. ये है हमारा कोरोना वायरस, यह है इसका स्पाइक प्रोटीन. तो इसमें दो टाइप के वैक्टर्स लिए हमने एडिनो वायरस के, एक है हमारा AD26 और दूसरा है हमारा AD5. तो इसमें क्या किया है, AD26 में भी और AD5 में भी जो जीन एस प्रोटीन के लिए कोड करता है उसको इंसर्ट किया गया है दोनों वैक्टर्स में. अ जीन कोडिंग एस प्रोटीन ऑफ SARS-CoV-2 स्पाइक इज इंसर्टेड इन टू ईच वैक्टर. तो दोनों ही वैक्टर में एस जीन का जो जीन है, एस प्रोटीन का जो जीन है, उसको इंसर्ट किया गया है. और ये वाली फॉर्म को फर्स्ट वैक्सीनेशन जब होगा तब उसमें प्रेजेंट होगी और ये वाली फॉर्म जब सेकेंड वैक्सीनेशन होगा उसमें प्रेजेंट होगी. द स्पाइक फॉर्म द क्राउन फ्रॉम विच द वायरस गेट इट्स नेम. ये हमें ऑलरेडी पता है, जो इसका नाम है वो इसके स्पाइक प्रोटीन की वजह से इसको कोरोना वायरस बोला गया है क्योंकि वो क्राउन लाइक अपीयरेंस देता है वायरस को. द SARS-CoV-2 वायरस यूजेस स्पाइक टू गेट इन टू अ सेल. तो ये भी हमें ऑलरेडी पता है कि जो SARS-CoV-2 है वो अपना स्पाइक प्रोटीन का यूज़ करके ACE2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करके सेल के अंदर एंटर करता है. अब सपोज हमने फर्स्ट वैक्सीनेशन लिया तो क्या होगा, ये वाली फॉर्म जो AD26 है ये हमारे फर्स्ट वैक्सीनेशन में प्रेजेंट है. तो ये वाली फॉर्म के अंदर एस जीन प्रेजेंट है, तो एस जीन प्रेजेंट है तो उससे
हमारा एस प्रोटीन एक्सप्रेस होगा। तो जब एस प्रोटीन एक्सप्रेस होगा तो हमारी बॉडी के लिए फॉरन, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होना स्टार्ट होगा। फिर हम 21 डेज बाद जब सेकेंड वैक्सीनेशन लेंगे तो उसमें हमारा प्रेजेंट होगा AD5। AD5 के अंदर भी एस प्रोटीन का जीन प्रेजेंट है, तो वो भी एस प्रोटीन को एक्सप्रेस करेगा और हमारी बॉडी फिर से यहाँ पे एस प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बूस्टअप होगा और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। The use of two vectors is a unique technology of the Gamaleya Center, making the Russian vaccine different from other adenovirus vector based vaccine being developed globally. तो इसमें जो दो वैक्टर का यूज़ किया गया है, ये एक इस वैक्सीन का यूनिक फीचर है जो कि इसको डिफरेंट बनाता है जो अदर एडिनोवायरस वैक्टर बेस्ड वैक्सीन है। सो दिस इज़ हाउ दिस वैक्सीन इज मेड एंड दिस इज हाउ इट इज़ वर्किंग इन साइड अवर बॉडी। अब हम देखते हैं वैक्सीन बेस्ड ऑन एटेन्यूएटेड SARS-CoV-2 वायरस। बहुत टाइप की वैक्सीन्स होती हैं, लाइक लाइव एटेन्यूएटेड वायरस, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, DNA वैक्सीन्स, mRNA बेस्ड वैक्सीन्स, सब यूनिट वैक्सीन एंड मैनी मोर। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो SARS-CoV-2 वायरस का यूज़ करके जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन बनाने का जो कोशिश हो रही है। तो ये हमारा नॉर्मल वायरस, उसको हमने क्या किया, एक अनफेवरेबल कंडीशन दी या फिर उसको मॉडिफाई किया जिससे कि उसका एक वीक फॉर्म को जनरेट किया जा सके और जिससे कि वो बन गया एक एटेन्यूएटेड लाइव वायरस, और इसको हमने यूज़ किया फॉर वैक्सीनेशन पर्पस। बट इसके भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, लाइक एटेन्यूएशन ऑफ ट्रिलियंस ऑफ वायरस इज कॉम्प्लेक्स, इतने सारे वायरस को एटेन्यूएट करना भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। स्टोरेज एंड हैंडलिंग रिक्वायर केयरफुली ऑब्जर्व प्रोसीजर, इसको स्टोर करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए हमें पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स कुड बी एक्सपेक्टेड सिंस एटेन्यूएटेड वायरस कॉज डिजीज इवन इफ दिस इज अ माइनर वन। तो इसमें हमें सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो एटेन्यूएटेड वायरस होते हैं उसको हम मॉडिफाई करते हैं, मतलब वो एक तरह से एक वीक फॉर्म होती है जिससे कि डिजीज़ कॉज हो सकती है, बट वो एक माइनर डिजीज़ कॉज होती है जिसकी वजह से हमें साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इन केस ऑफ SARS-CoV-2 ओनली 3 प्रोजेक्ट्स ऑफ एटेन्यूएटेड SARS-CoV-2 वैक्सीन आर इन एक्टिव क्लिनिकल डेवलपमेंट एट द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो SARS-CoV-2 के केस में 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी चल रहे हैं और वो तीनों के तीनों ही प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज पर हैं। फर्स्ट वन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन कोलेबोरेशन विद कोडाजेनिक्स, न्यूयॉर्क प्राइवेट बायोटेक कंपनी। तो जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो किसके साथ है, इसका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विद कोडाजेनिक्स, जो एक न्यूयॉर्क की प्राइवेट बायोटेक कंपनी है। सेकंड है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड इंडिया इन कोलेबोरेशन विद ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है इसका इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड जो कि इंडिया की है, उसका कोलेबोरेशन है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के साथ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। थर्ड है मेहमत अली अयदुनार यूनिवर्सिटी टर्की में, जो तीसरा प्रोजेक्ट चल रहा है वो इसका मेहमत अली यूनिवर्सिटी में चल रहा है जो कि टर्की में है। बट नन ऑफ दिस वैक्सीन प्रोजेक्ट्स हैव येट रीच द स्टेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, बट इसका अभी तक एक भी वैक्सीन का प्रोजेक्ट क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज पर नहीं पहुँचा है। दूसरा टाइप है वैक्सीन बेस्ड ऑन इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 वायरस, इसमें ये वायरस है इसको हम हीट से, केमिकल से या रेडिएशन से ट्रीट करके उसको इनएक्टिवेट करते हैं। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस और इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसके एडवांटेजेस हैं, ये स्टेबल है, इजली हैंडल कर सकते हैं, लेस एक्सपेंसिव होती है, सेफर होती है। बट इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, लाइक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ इम्यून मेमोरी विच डिमांड्स इनोकुलेशन ऑफ हायर अमाउंट ऑफ वैक्सीन और द एसोसिएशन ऑफ द इनएक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद एन एडजुवेंट। तो इसका जो इम्यून मेमोरी है वो शॉर्ट होती है जिसकी वजह से इसको हायर अमाउंट में देना पड़ता है, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, जो इसका इनएक्टिवेटेड वायरस है उसमें एडजुवेंट को मिला सकते हैं। एडजुवेंट का मेन काम होता है स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना। और एक और लिमिटेशन है इसका, इंड्यूस रिस्पॉन्स इज जनरली वीकर कंसर्निंग एज कम्पेयर टू एटेन्यूएटेड वायरस। तो इसका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो वीक होता है एज कम्पेयर टू एटेन्यूएटेड वायरस। इन केस ऑफ SARS-CoV-2 7 वैक्सीन बेस्ड ऑन वेरियस इनएक्टिवेटेड वेरियंट्स आर इन क्लिनिकल ट्रायल्स, 4 ऑफ विच इन फेज 3 ट्रायल्स एंड ऑलरेडी अप्रूव फॉर लिमिटेड यूज इन जनरल पॉपुलेशन। तो इनएक्टिवेटेड बेस्ड वैक्सीन के 7 प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी चल रहे हैं, उसमें से 4 हैं जो फेज 3 ट्रायल्स में है और उनको ऑलरेडी अप्रूव किया गया है जनरल पॉपुलेशन में यूज़ करने के लिए। अब वो कौन कौन से हैं 4, एक तो है हमारी ये कोरोना वैक,
दूसरी है हमारी बीबी कॉर्वी, थर्ड है हमारी जो कि बनाई है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड सिनोफार्म चाइना, इनकी भी वैक्सीन जो है वो अप्रूव की गई है लिमिटेड यूज़ के लिए। लास्ट वन जो हमारी इंडिया में कोवैक्सीन है, ये भी एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जिसके बाकी के रिमेनिंग टाइप्स हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दीज आर द रेफरेंसेज फॉर रिसर्च पेपर एंड आर्टिकल्स फ्रॉम विच आई हैव टेकन इन्फॉर्मेशन फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। मैं हूँ एंजाइम तो आप है सबस्ट्रेट, मैं हूँ एंजाइम तो आप है सबस्ट्रेट। CSIR को पाने में अब ना होगा लेट, एक्टिवेशन एनर्जी कम करके कर दूंगा मैं एक्टिवेट, प्रोडक्ट बनके आप सपने लेना लपेट। मैं पढ़ाऊंगा सारे यूनिट स्मार्टली और इफिशियंटली, जिससे आप क्रैक कर पाएंगे CSIR 2021 को क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली। मेरे कोर्सेज शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी प्लस से 7 दिसंबर में, और पाइए हर महीने 2 नए कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी प्लस पे। जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी प्लस पे और पाइए अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, ऑर्गेनाइज नोट्स, रिकॉर्डिंग्स, डाउट सेशंस, स्मार्ट कोड्स एंड एनालॉजीज का पावर बूस्टर सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में ही। तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करना ना भूले, इंस्टॉल करिए लर्निंग ऐप एंड जुड़ जाइए मेरे साथ, और मेरे प्रोफाइल पे जाके सारे इन्फॉर्मेशन को देख लीजिए। यूज करिए रेफरल कोड विरेन और विरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। चलिए मिलके करते हैं आपके सपने को पूरा सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में। जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी प्लस पे, लेट्स क्रैक इट।